आपको बता दें कि लगातार चोरियां इस कदर हो रही हैं जिससे ग्रामीणों में एक दहशत है। बेखौफ चोरों का कारनामा, फिर से उन्नाव में एक घर को बनाया निशाना। ग्रामीण रात को चौकसी करते हैं, उसके बाद चोरियां थम नहीं रही। पुरवा में चुपचाप घर से चुरा लिए 5 लाख के गहने और रुपए। आपको बता दें कि बीती रात चोरों ने लगभग सुबह 4 से 3 बजे के बीच में घटना को अंजाम दिया। उन्नाव में एक बार फिर से बेखौफ चोरों ने मंगलवार रात एक वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने देर रात पुरवा कोतवाली क्षेत्र के एक घर को अपना निशाना बताया। बता दें कि इस गांव के लोग रात 3 बजे तक अपने अपने घरों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गांव के लोग थोड़ा निश्चिंत होकर सोने के लिए अपने घरों में गए, चोरों ने घर में घुसकर अलमारी में रखे लाखों के गहने पार कर दिए। देखिए, ये वो कमरा है जहाँ की, यहाँ पर बताते हैं कि ताला लगा हुआ था, इसमें एक ताला लगा हुआ था। ताला लगने के बावजूद भी बड़ी ही चतुराई के साथ चोर घटना को अंजाम देते हैं, दे देते हैं। ये वो ताला है, जैसे कि देख सकते हैं कि वो ताला है जिसे जिसकी चाबी नहीं थी, लेकिन बिना चाबी के ताले को खोला गया। हम आपसे बता दें कि इस समय ये देख सकते हैं कि किस प्रकार ये अलमारी है। इसमें जैसा कि उनका कहना है कि यहाँ अलमारी वो पूरी तरीके से बंद थी, जिसमें लगभग 4.5 लाख की जेवर और 35,000 नगदी रुपए चोरों ने बड़ी ही आसानी के साथ पास कर दिया, जबकि ये कमरा पूरी तरीके से बंद था। ताला लगा हुआ था, जब वाइफ खोले हैं इसको तो ताला खुला हुआ है मिला इनको, और पीछे का गेट जो है वो भी निकासी है उनका, जो पीछे का गेट खुला हुआ था। अच्छा, आप लोग कहाँ लेटे हुए थे? हम लोग सबसे आगे लेटे हुए थे, मतलब यहाँ कोई नहीं लेटा हुआ, यहाँ कोई नहीं लेटा हुआ, यहाँ ताला लगा हुआ जी, जी बिल्कुल। क्या क्या मतलब सामान में क्या क्या गया है? जेवर एक हार था और 4 अंगूठियां थी और चांदी के सामान थे उनके, और एक चैन थी और 35,000 रुपये नकदी। मिल रही जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात बेखौफ चोरों ने साबित कर दिया कि उन्हें किसी का डर नहीं है। चाहे गांव के लोग कितनी भी निगरानी कर ले या पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों को ढेर कर दे, लेकिन चोरों को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मंगलवार रात चोरों ने पुरवा कोतवाली के बैगांव में रहने वाले विनोद भारती के घर को अपना निशाना बनाया। विनोद ने हमारे संवाददाता आजाद सुजीत धानु से बात करते हुए बताया, चूंकि जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसको देखते हुए वो सभी सतर्क थे। वहीं उनके गांव के लोग भी रोजाना देर रात तक गांव में पहरा देते थे। इसी क्रम में मंगलवार रात को भी सभी लोग रात के 3 बजे तक जग रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था, लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि अब सुबह होने में महज 3 घंटे बाकी है, ऐसे में अब इस समय कोई चोर चोरी करने नहीं आएगा, लिहाजा सभी अपने घरों में थोड़ा आराम करने के लिए चले गए। गांव वाले जैसे ही अपने घरों में सोने के लिए गए, तभी चोर विनोद के घर के पीछे लगे नीम के पेड़ से उसकी छत पर पहुंच गए। इसके बाद चोरों ने सबके गहरी नींद में जाने का इंतजार किया। जैसे ही सब गहरी नींद में सो गए, चोर घर के अंदर आए और कमरे में मौजूद अलमारी से करीब 4.5 लाख रुपए के गहने और 35,000 रुपए नकद पार कर गए। सुबह जब सभी की नींद खुली तो कमरे में मौजूद अलमारी का दरवाजा खुला देख घर वालों के होश उड़ गए। विनोद ने देखा कि अलमारी में रखे रुपए और गहने गायब थे। इसके बाद विनोद ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है चोरों, इसलिए चोर बड़ी आसानी के साथ घटना को अंजाम दे देते। और हम आपको हर अपडेट यूनिजी में बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं आजाद सुजीत धन।